अब हम बताते हैं आपको वृत्त क्या होता है। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं सर्किल। क्या बोलते हैं? सर्कल। एक तरह से कह लें तो गोला हम कह सकते हैं, गोला। एकदम गोल गोला जो होता है वो सर्कल होता है। हमने यहाँ पे रखा इसको कंपास के पॉइंट को, और ऐसे करके ये हिल जा रहा है, ऐसी से बनाना पड़ेगा। ऐसे करके एक सर्कल बना लिया, ठीक है, कोई बात नहीं, बड़ी से भी बन जाएगा। एक सर्कल बनाना है बस। ये क्या बन गया भाई? ये बन गया सर्कल। सर्कल मींस व्रत। अगर शुद्ध हिंदी में बोलें तो व्रत, और देसी भाषा में अपनी में बोलें तो गोला कह दो, गोला कह दो या व्रत कह दो, ठीक है। ये सर्कल बन गया मान लीजिए हमारा, ठीक है। अब व्रत शुरू होता है, इसको हम क्या कहते हैं? व्रत कहते हैं इसको, या हम इसको सर्कल कहते हैं अंग्रेजी में। तो वृत्त क्या होता है? वृत्त एक गोला होता है जो एक त्रिज्या से बराबर दूरी लेके, परिमाप लेके और खींच दिया जाता है। इस त्रिज्या से, अब इसकी विशेषताएं सुनो वृत्त की क्या होती हैं। इस त्रिज्या से कहीं की भी दूरी नाप लो बराबर होगी। इस त्रिज्या से इसके सब तरफ की दूरियां बराबर होंगी, पहली बात। अगर हम इस त्रिज्या से इसको मिलाएं यहां से यहां तक, इसको हम कहते हैं आर, यानी त्रिज्या, रेडियस। इसको हम कहते हैं रेडियस, इंग्लिश में बोलेंगे तो रेडियस, हिंदी में बोलेंगे तो त्रिज्या, ठीक है। तो त्रिज्या क्या होती है? वृत्त के केंद्र से और वृत्त की किनारे तक की दूरी, चाहे यहाँ की दूरी हो चाहे यहाँ की हो, कहीं किसी भी किनारे से आप मिला दीजिए, वो सब की दूरी त्रिज्या इसकी बराबर ही होगी, ठीक, पहली बात। दूसरी बात, वृत्त को अगर हम, ये तो त्रिज्या हो गई यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक तो हो गई त्रिज्या। अगर हम इसको यहाँ से यहाँ तक मिला दें सीधा तो क्या हो गया? तो एक त्रिज्या तो ये हो गई और एक त्रिज्या ये हो गई, तो ये हो गई आर प्लस आर बराबर, आर प्लस आर बराबर टू आर, यानी त्रिज्या प्लस त्रिज्या बराबर, त्रिज्या में त्रिज्या जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? गणित में बिजाती है संख्या है, नहीं जुड़ती, सजाती जुड़ जाती है। भाषा समझ रहे हैं हम, मेरी बीजगणित की भाषा है। सजातीय का मतलब एक जैसी जाति, आर और आर एक एक ही प्रकार के हो गए ना, यस सर, त्रिज्या त्रिज्या एक ही प्रकार के हो गए ना, यस सर। तो त्रिज्या में त्रिज्या जुड़ जाएगी तो हो जाएगा टू आर, या दो त्रिज्या, दो त्रिज्या, या दो गुणा त्रिज्या, एक ही बात है, कैसे भी कह लो। तो व्यास क्या होता है? व्यास बराबर होता है दो गुणा त्रिज्या। ये जो हमने आपको बताया कि ये त्रिज्या यहां से यहां तक हमने मिला ली, एक त्रिज्या ये, एक त्रिज्या ये, तो यहां से यहां तक की जो दूरी है इसको हम कहेंगे व्यास, डायमीटर। क्या कहेंगे? व्यास। तो आधे इस सेंटर से लेकर यहां तक की दूरी त्रिज्या, और एक केंद्र से लेकर त्रिज्या को छूते हुए दूसरे केंद्र तक की दूरी व्यास। अगर हम यहां से छुए ऐसे तो क्या व्यास होगा? नहीं होगा, क्योंकि त्रिज्या को नहीं छुआ। अगर त्रिज्या से होकर गुजरे कोई भी रेखा तो वो क्या होगी? वो व्यास होगी। तो व्यास क्या होता है? अब इसमें हमें दो चीज पता लगी, एक तो त्रिज्या, व्यास। तो त्रिज्या क्या होती है? त्रिज्या वह दूरी होती है जो केंद्र से लेके और सर्किल के किनारे तक की होती है। केंद्र से हम एक सर्किल खींच दें तो केंद्र से किनारे तक की जो दूरी होगी वो त्रिज्या होगी। जैसे स्केल निकालिए बहुत जल्दी से। और डायमीटर क्या होता है? त्रिज्या का दो गुना डायमीटर होता है। व्यास क्या होता है? त्रिज्या का जो दो गुना होता है वो व्यास होता है। मान लीजिए मैं आपको कह रहा हूँ त्रिज्या क्या होती है, इसको और मैं क्लियर कर रहा हूँ। ये मैंने सेंटीमीटर में इसको ले लिया, दो सेंटीमीटर भर लिया, ठीक है, ये दो सेंटीमीटर दूरी मैंने ले ली। अब मैं दो सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाता हूँ, इसका मतलब हुआ कि मैं दो सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर एक सर्कल बना रहा हूँ। दो सेंटीमीटर दूरी मैंने इसमें भर ली तो इसकी त्रिज्या ही तो बनेगी। जब मैं इसको ये मैंने खींच दिया, अब इसकी जो मैंने यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी ली है, स्केल से मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, जो मैंने यहाँ से यहाँ तक की दूरी ली है ऐसे करके, ये कितनी है? कितनी ली थी मैंने? सर, दो सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है दो सेंटीमीटर है, तो ये आर बराबर टू सेंटीमीटर हो गई। तो इसका व्यास कितना होगा? डायमीटर कितना होगा इसका? डायमीटर कितना होता है त्रिज्या का? अभी बताया था ना जैसे, क्या बराबर त्रिज्या का दो गुना होता है, बताया था ना। तो व्यास कितना हो जाएगा? दो गुना त्रिज्या टू आर,
तो दो गुणा आर की वैल्यू कितनी है, दो, दो दो दूनी चार, चार सेंटीमीटर इसका व्यास होगा। जिस वृत्त की त्रिज्या दो होगी उसका व्यास कितना होगा, चार। जिस वृत्त की त्रिज्या पांच होगी उसका व्यास कितना होगा, दूना होगा। जिस वृत्त की त्रिज्या तीन होगी उसका व्यास कितना होगा, छह। बात समझ में आ गई? यस सर। अब इसका क्षेत्रफल और परिधि बाद में बताएंगे, अभी आपका जो सवाल है इसमें यह है कि इतनी त्रिज्या लेके इतना सर्किल खींचो, ये वृत्त बनाना सीख लो पहले। ये कह रहा है निम्नलिखित त्रिज्या का वृत्त बनाइए, पांच सेंटीमीटर, साढ़े चार सेंटीमीटर और छह सेंटीमीटर। तो यहां मैं सवाल लिख देता हूँ, चार सेंटीमीटर, पांच सेंटीमीटर और छह सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर वृत्त बनाइए। समझ गए आप मैं क्या कह रहा हूँ, बना लेंगे आप? यस सर। ये तीन सवाल करके लाइए, एक चार सेंटीमीटर का वृत्त, एक पांच सेंटीमीटर का वृत्त और एक